परमेश्वर और उसका प्रिय पुत्र यीशु मसीह के साथ में रहने वाला जिस अभिषेक में वो चलते थे, आज जो परिस्थिति वहां पे आई है, जो कठिनाई वहां पे आई है, उस माहौल को देख करके या उस परिदृश्य को देख करके आज पतरस यीशु मसीह को कितनी बार इनकार किया, जरा ध्यान से समझिएगा, इनकार किया, बोलो इनकार किया, मतलब उस अभिषेक से अलग हुआ, उस परमेश्वर के एनोइंटिंग से अलग हुआ, उस परमेश्वर के अभिषेक से दूर हो गया। देखो इकरार, मतलब इकरार नहीं किया, इनकार कर दिया कि मैं प्रभु को नहीं जानता, और उसे चिन्ह दिखाई दिया, मुर्गे ने बांग दिया, मुर्गा एक चिन्ह था। प्रभु ने कहा जैसे तू तीन बार मेरा इनकार करेगा तुझे एक चिन्ह दिखाई देगा, मतलब मुर्गा बांग देगा। हालेलुया, बातों को समझो। हमारे जीवन में भी यही तो चीज चल रहा है। आज हम जब परमेश्वर के साथ उस अभिषेक में चलते रहते हमारे जीवन में जब प्रभु काम करने लगता है तो हम अपने जीवन में तमाम बुरी बातों को लेके आते, इनकारनामा, और बोलते मैं अब इसके साथ नहीं रह सकता, अब मैं इसके संगति में नहीं रह सकता, अब मैं इसकी बात नहीं मानूंगा, अब मैं अपनी मर्जी से चलूंगा, अब मैं अपनी इच्छा के अनुसार जीऊंगा। आप वो इनकार कर रहे हैं, परमेश्वर के अभिषेक को तोड़ रहे हैं। जो अभिषेक आपको दिया गया आप उसका खुल्लम खुल्लम मजाक बनाते हैं। बातों को समझो यहां पर। और वहां पर पतरस दूर ही था तभी यीशु को, यीशु के जो अभिषेक है उसकी अधीनता से इनकार किया। बोलो परमेश्वर की अधीनता से, यीशु की अधीनता से पतरस ने क्या किया? तेजिम बोलो भाई, पतरस ने क्या किया? पतरस ने इनकार किया, पतरस ने उस अभिषेक को अपने जीवन से दूर किया, परमेश्वर की अधीनता को, यीशु की अधीनता को उसने अपने जीवन से दूर किया, वो अधीन नहीं रहा, वो इनकार किया, मैं यीशु को नहीं जानता, उसने इनकार कर दिया। बातों को समझना है मेरे प्रियो, यहां पे क्या होने वाला है? यीशु उनका चरवाहा था, पतरस का चरवाहा कौन है? यीशु है। और आज यीशु को इनकार किया जा रहा है, मैं यीशु को नहीं जानता। आपके जीवन में जो अभिषेक था आज आप उसे नाकार रहे, आप उसकी बातों को नहीं मान रहे, इसका मतलब आप उसके विचारों को नहीं मान रहे, आप उससे दूरी बना रहे, आप बोलते मैं, आप समयों को बोलते मैं। जरा बातों को समझना है, आपके अंदर जब आप अभिषेक से दूर होते, जब आप कलीसिया से दूर होते, जब आप अपने अगुवे से दूर होते, तो आपके जीवन में भी चिन्ह दिखाई देते हैं। बोलो चिन्ह दिखाई देते हैं। जब तक आप परमेश्वर के संग होंगे, जब आप प्रभु के अभिषेक में होंगे, जब आप अपने अगुवे के अधीन में होंगे, जब आप अपने कलीसिया के अधीन में होंगे और उसकी बात को मानकर चलेंगे, उसकी उसकी उपस्थिति में चलेंगे, उसके अभिषेक में चलेंगे, आप तब भी आपके अंदर एक चिन्ह होगा कि आपके जीवन से वो अभिषेक प्रकट हो रहा है, वो प्रकट हो रहा है। आपने कह दिया वो ठीक हो गया, आपने उसे सुसमाचार दिया वो खुदा के राज्य में आ गया, आपने जो कुछ भी उसके लिए किया वो पूरा हो गया, ये आपकी क्वालिटी नहीं है, ये आपकी क्वालिटी नहीं है, ये आपका आपका ताकत नहीं है। पर परमेश्वर के संग रहने के लिए, अधीनता में जीने के लिए, परमेश्वर की उपस्थिति में चलने के कारण, अपने अगुवे के अधीन रहने के कारण, कलीसिया के अधीन रहने के कारण, वो ताकत, वो सामर्थ जो चरवाहे के भीतर प्रकट होती है, वही सामर्थ उसके भेड़ों के अंदर प्रकट होती है। यीशु मसीह के नाम। यीशु आश्रम मिनिस्ट्रीज की हर लेटेस्ट अपडेट को पाने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन को जरूर